एक टर्म आजकल बड़ी फेमस हुई हुई है, ओसीडी। जिसको देखो वो ओसीडी 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 यूज कर रहा होता है। क्या है ये ओसीडी? व्हाई आर सो मेनी पीपल टॉकिंग अबाउट ओसीडी? ओसीडी को समझने के लिए आज थोड़ा सा उसका क्लिनिकल साइड समझते हैं। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। जब हम इस वर्ड को बोलते हैं तो बहुत सारे लोगों के सामने एकदम से एक चेहरा आता होगा जिसको हम सारे जानते हैं, जो हमारे देश के बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं, जिनका नाम है दीपिका पादुकोण। हाँ, ये वो एक्टर हैं जिन्होंने बहुत बारी पब्लिकली एक्सेप्ट करा है कि शी हैड ओसीडी, अ सीवियर ओसीडी इन द पास्ट, एंड आज भी कहीं ना कहीं शी हैज टू मैनेज हर लाइफ एज पर द इश्यूज ऑफ ओसीडी। अब होता क्या है ये डिसऑर्डर, इसको थोड़ा सा आज डिटेल में समझते हैं। बहुत सारे यंगस्टर्स, इवन मिडिल एज लोग, इवन ओल्ड एज पीपल, दे आर गोइंग थ्रू दिस, बट इसकी अवेयरनेस नहीं है आज भी। और इसकी अवेयरनेस ना होने की वजह से बहुत सारे ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिसके लिए फिर हम टेम्पररी सॉल्यूशन ढूंढने जाते हैं। इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो सामने आती है वो है कि मैरिज के अंदर, रिलेशनशिप्स के अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। बहुत सारे ऐसे डिवोर्स के केसेस हैं, बहुत सारे ऐसे डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हैं जो ओसीडी की वजह से घरों में हुए हैं या जिनकी वजह से प्रॉब्लम हुई है। एक स्टडी ये कहती है कि द मेजर पोर्शन ऑफ पीपल हु आर गोइंग थ्रू ओसीडी आर मोस्टली फीमेल। अब उस स्टडी को ध्यान में रखते हुए हम जब साइकोलॉजी में, साइकाइट्री में भी पढ़ते हैं, तो हम भी ये काफ़ी बार ऑब्जर्व करते हैं कि बहुत सारे ऐसी फीमेल मेंबर्स हैं हमारे जो ओसीडी से गो थ्रू करते हैं। अब इसके पीछे एक और रीज़न ये भी है कि जो मेल्स हैं वो बहुत इजीली एक्सेप्ट नहीं करते कि उनको कोई मेंटल हेल्थ इशू है, पॉइंट नंबर वन। एंड पॉइंट नंबर टू, दे ट्राई टू मैनेज देमसेल्फ टू अ मैक्सिमम एक्सटेंट, बट आफ्टर सम टाइम व्हेन दे ब्रेक डाउन, दे ऑल्सो कम फॉर द थेरेपी और फॉर द साइकाट्रिक कंसल्टेशन। सो नाउ कमिंग टू बैक टू द टॉपिक कि ओसीडी एक्चुअल में है क्या। जैसे कि ये तीन वर्ड्स में डिवाइडेड है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेशन क्या होता है? ऑब्सेशन मतलब किसी भी थॉट, किसी भी इमेज, कोई भी एक फील बार 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 आपके दिमाग में रेपिटेटिवली आती रहती है। जब ऐसा होता है तो उसकी वजह से दो चीजें होती हैं। सबसे पहले आप रेसलेस, परेशान, इरिटेट होना शुरू हो जाते हो, एंड सेकंड आप उस ऑब्सेशन पे एक्ट करना शुरू कर देते हो। आपकी मजबूरी बन जाती है क्योंकि आपका माइंड इतना फोर्सफुली आपको बोल रहा होता है कि अगर तू ये नहीं करेगा तो इतना कुछ गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। तो इट बिकम्स आपके लिए एक्सट्रीमली डिफिकल्ट अपनी उस माइंड की कही हुई बात को ना मानना, जबकि आपको बड़े अच्छे से पता होता है कि जो मेरा माइंड कह रहा है वो तो बहुत इलॉजिकल बात है। अब समझते हैं कि ओसीडी के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहला ओसीडी का सिम्टम होता है बार 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 हाथ धोना, कंटेमिनेशन। बहुत सारे लोगों को, 90% लोगों को कंटेमिनेशन में हाथ धोने की प्रॉब्लम हो जाती है। कंटेमिनेशन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारी हमारी फीमेल क्लाइंट्स होते हैं जो पूरे घर को वॉश करते हैं, अपने रूम को वॉश करते हैं, रोज अपने बेड के बेडशीट्स को वॉश करते हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है कि उनका 90 to 80% ऑफ टाइम दिन भर में साफ सफाई में ही चला जाता है, पूरी फैमिली को उसकी वजह से टाइम नहीं मिल पाता। सेकेंड जो सबसे सीरियस सिम्टम होता है इसका, वो है पैथोलॉजिकल डाउट। छोटी छोटी चीज़ों पे, दरवाज़ा लॉक करा या नहीं करा, गैस बंद करी या नहीं करी, कुंडी लगाई या नहीं लगाई, ठीक से लगाई है, 10 बार 5 बार चेक करते रहना, उसको प्रेस करते रहना। बहुत बार तो ये भी होता है कि अगर वो कुछ कर रहे हैं, अगर उन्होंने गाड़ी को लॉक करा, दरवाजे को लॉक करा, कोई सामान उठा के रख दिया, कोई सामान छुपा के रखा है, कुछ सेफ्टी में रखा है, तो वो अपने घर वालों से कंफर्म करवाते हैं कि क्या ये मैंने ठीक करा है या नहीं करा। तो दिस इज अ वेरी, अगेन अ वेरी सीरियस सिम्टम विच वी कॉल पैथोलॉजिकल डाउट। शक और वहम पैदा हो जाता है बहुत सारी चीजों में। थर्ड पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है धर्म से रिलेटेड सेक्सुअल इमेजेस, वॉयलेंस से रिलेटेड इमेजेस, धर्म से रिलेटेड इमेजेस, सेक्सुअल इमेजेस, ये सारी चीजें दिमाग में आनी शुरू हो जाती हैं। आपके फेथ को लेके आपका दिमाग सवाल उठाना शुरू कर देता है। और
आपके ही धर्म में जो भी आपकी मान्यता है उन मान्यताओं के ऊपर उल्टे सीधे ख्याल आने शुरू हो जाते हैं, गलत गलत ख्याल आने शुरू हो जाते हैं। लास्ट जो सबसे मेजर सिम्टम है वो है सिमेट्री का। कहीं भी आप बैठे हो, घर पे, घर के बाहर कहीं गए हो, तो अगर वहाँ पे कोई चीज़ ऐसी है जो आपकी सिमेट्री की डेफिनेशन के हिसाब से मिसमैच हो रही है, तो आप या तो अनकंफर्टेबल हो जाओगे या आप उसको ठीक करने की कोशिश करोगे, चाहे वो घर में हो चाहे वो कहीं और हो। जब हमारे पास क्लिनिक में या सेंटर पे लोग आते हैं तो कई बारी पेन, पेंसिल, चेयर या कोई भी चीज़ अगर ठीक से, हल्की सी भी टिल्टेड होती है, ठीक से नहीं होती, तो वो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, रेस्टलेस हो जाते हैं, और जब तक वो उसको ठीक नहीं कर लेते वो सेशन को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाते, वो परमिशन लेके उसको ठीक कर देते हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेजर सिम्टम्स। अब ये जो OCD के चार सिम्टम्स हमने डिस्कस करे हैं ये मेजर सिम्टम्स में से आते हैं, इसके अलावा भी छोटे बड़े बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो एक इशू है ये इशू कोई खांसी जुकाम नहीं है, ये एक सीरियस इशू है, और इसके लिए आप किसी को ये मत कहो कि तू जानबूझ के कर रहा है या जानबूझ के कर रही है, वो उसका एक बायोलॉजिकल इफेक्ट है। उस बायोलॉजिकल इफेक्ट को आप इग्नोर करके या उनको अपने सेल्फ केयर में डाल के कि हाँ तू डिसिप्लिन हो जाओ, तुम योगा करना शुरू कर दो, भागना शुरू कर दो, एक्सरसाइज करना शुरू कर दो, सब खत्म हो जाती हैं चीज़ें, ये कुछ भी हेल्प नहीं करती, ये सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करती है। और अगर आप ऐसा कर रहे हो तो यू नीड टू स्टॉप इट नाउ एंड यू नीड टू गेट द राइट ट्रीटमेंट फॉर इट। बहुत ईजिली अवेलेबल है, आप मेरे पास आ सकते हो, मैं दिल्ली कनॉट प्लेस में प्रैक्टिस करता हूँ। इसका ट्रीटमेंट दो हिस्सों में डिवाइडेड होता है, जनरली कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी और एक्सपोजर एंड रिस्पांस प्रिवेंशन, इन दोनों को कंबाइन करके इसका ट्रीटमेंट होता है। मैं ऑनलाइन, होम विजिट और क्लिनिक विजिट, तीनों तरीके से सर्विसेज और ट्रीटमेंट और इसकी काउंसलिंग थेरेपी हम प्रोवाइड करवाते हैं। अगर आपको लगता है आपको इसकी नीड है, इस नंबर पे कॉल कीजिए, अपनी अपॉइंटमेंट बुक कीजिए, एंड लेट्स एनालाइज कि आपकी कंडीशन में क्या क्या चीज़ें हैं। हमारे साथ साइकाइट्रिस्ट, हमारे साथ बहुत बड़ी टीम है प्रैक्टिशनर्स की, जो आपको इन प्रॉब्लम से बाहर आने में अच्छे से मदद कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।